राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि अंतर्द्वंद की शिकार कांग्रेस सरकार के लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई क्लेश नहीं। वो बताए कि क्लेश नहीं होता तो वो होटलों में क्यों बंद रहते। राहुल गांधी जी को तो राजस्थान के लोगों को मुंह दिखाने का भी हक नहीं। वो भारत जोड़ने वाले नहीं, वादा तोड़ने वाले नेता है। वो पहले किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफ करने का वादा पूरा करते हैं, फिर यहां आते ताकि जनता उन पर विश्वास जता पाती। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि जनता की नहीं सुनेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे सरकार से बाहर कर दूंगा। यहां तो मंत्रियों और विधायकों की भी सुनवाई नहीं हो रही, जनता तो दूर की बात है। जो राजस्थान में अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकता, वो भारत जोड़ने चला है। गहलोत सरकार प्रदेश के विकास और जनता की सेवा का अपना फर्ज भूल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक प्रदेश के हर व्यक्ति पर करीब 87,000 रुपए का कर्जा हो जाएगा, जो राजस्थान के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। वसुंधरा ने कहा कि इतने कर्ज के बावजूद इस सरकार के 4 साल में विकास का अकाल ही रहा है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे, सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए झगड़ते रहे और अपनी गलतियां छुपाने के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को कोसते रहे। भाजपा सरकार के समय जो प्रदेश तरक्की की कतार में सबसे आगे था, वो आज पिछड़े राज्यों की लाइन में है। राजस्थान के 4 साल में प्रगति तो हुई, लेकिन वो भ्रष्टाचार, महिला, दलित उत्पीड़न, गैंगवार, गैंगरेप, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल व बिजली की कीमतों में हुई है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार अपने 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ था। इस आयोजन में सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान अपनी प्रस्तुतियां दी है। इसके अलावा सरकार 17 से 28 दिसंबर तक राजधानी जयपुर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।